कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत ही खूबसूरत। प्यार करते हो मुझसे? हाँ। शादी करोगे मुझसे? बिल्कुल। तो फिर चलें? यस। हेलो। अरे कौन हो भाई, किससे बात कर रहे हो यार? तुझे दिख नहीं रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ? अरे पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम कर क्या रहे हो भाई? निकलो अपना काम। अरे करना। अरे चल। अरे मैं पूछ रहा हूँ। अरे कौन हो भाई? अरे मैं पूछ रहा हूँ अपना। चल चल। अरे यार चल। अदिति का कुछ पता नहीं चल रहा है। जोशी ने अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए लेकिन उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस रात को मैंने एग्जैक्टली क्या देखा मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। एक पल के लिए आई कांट मेक एनीथिंग ऑफ इट सर। मेरे सामने थी वो और गायब हो गया। आई कांट मेक एनीथिंग ऑफ दिस सर। विक्रांत, हमने हॉस्पिटल की फुटेज देखी है। तुमने खुद उस कमरे को, पूरे हॉस्पिटल को 5-6 बार चेक किया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। शिखा से बात करने के बाद भी हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा है। शिवानी को खोने के बाद अब मैं आदिति को, ये सब मेरी गलती है सर। मैंने आदिति का ट्रांसफर दिल्ली से यहाँ शैतान चौकी में कराया। अगर मैं उसका ट्रांसफर नहीं करा था तो आज उसकी जान खतरे में ना होती। विक्रांत, आई नो आदिति तुम्हारी पार्टनर है लेकिन वो हमारी भी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस उस पर काम कर रही है। एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिनों के लिए तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? घर जाओ, फैमिली से मिलो। वैसे भी कई दिनों से तुम अपने माँ बाबा से मिलने नहीं गए और अगर तुम अपनी बेस्ट पे नहीं रहोगे तो अदिति को कैसे ढूंढोगे? नहीं, मैं छुट्टी नहीं लूंगा सर। खाली बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। आप मुझे किसी दूसरे केस पे भेज दीजिए सर। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो एक केस आया है जिसपे आज से ही तुम काम शुरू कर सकते हो। वाशी स्टेशन के एसआई माल्या इस केस पे तुम्हारा साथ देंगे। तुम उनसे मिलके इस केस के सारे डिटेल्स ले लो। गुड। जी सर। थैंक यू सर। केस क्या है? सर, परसों रात 18 मार्च को जय नाम के एक लड़के की मिसिंग कंप्लेन आई है। उसकी गाड़ी हमें पनवेल के पेट्रोल पंप के पास खड़ी मिली। और लड़का? सर वो नहीं मिला, हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि फोन गाड़ी में मिला था। सर कुछ दिनों पहले रतन राज नाम का एक लड़का लापता हुआ था और उसकी गाड़ी हमें ठीक वही मिली जहाँ जय की मिली। दोनों लड़के एक दूसरे को जानते हैं? नहीं सर। और अजीब बात यह है सर कि परसों रात रतन घर वापस आया। उसी रात जब जय गायब हो गया? जी सर। तो तुमने रतन से पूछा नहीं वो इतने दिन कहाँ था? सर पूछा। सर यहीं पर केस थोड़ा और अजीब हो जाता है। सर रतन जब से घर वापस आया है तब से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जैसे हमेशा कोई उसके साथ है। उसके घर वाले बहुत डरे हुए हैं सर। ये उसके केस की फाइल।
माँ तू ये क्या कर रही है? तू यहाँ से बाहर निकल। रतन कैसी बातें कर रहा है हा? किस गलती की सजा दे रहा है तू हमको? तुझे किसी की नजर लगी है इसलिए मैं नजर उतार रही हूँ तेरी। तूने फिर उसे रुला दिया ना, जा जा उससे जाके माफी मांग। यहाँ कौन है जिससे मैं माफी मांगू? तू पागल हो गया क्या? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। भगवान रतन क्या कर रहा है? माँ तू यहां से बाहर निकल। क्या कर रहा? तू यहां से बाहर निकल। अरे तुम्हें कोई बदबू आ रही है? हाँ सर, बड़ी अजीब सी बदबू है। और ये बदबू तब से है जब से हमने गाड़ी को कस्टडी में लिया है, तब से ये बदबू गई नहीं सर। तनी क्यों ये स्मेल जानी पहचानी सी लग रही है? सबसे पहले ये गाड़ी किसने स्पॉट की थी? सर वो पेट्रोल पंप पे एक लड़का है हरीश, अटेंडेंट है, नाइट ड्यूटी उसी की रहती है। दोनों गाड़ियों की रिपोर्ट उसी ने की और उसने दोनों लड़कों को भी देखा था, अजीब सी हरकत कर रहे थे वो। पता नहीं अपने आप में बातें करते हुए कहीं दूर निकल गए। अच्छा, हरीश ने दोनों लड़कों को देखा? जी सर। हरीश से मिलते चलो। ठीक है सर। सर यही हरीश है। 18 तारीख की रात को ये लड़का यहाँ पे आया था। हाँ सर, वैसे तो यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं मगर मैं इस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। जब भी यहाँ हर बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं ही ड्यूटी पर था सर। हर बार मतलब? सर 5-6 दिन पहले ऐसा ही एक लड़का आया था जो इसी की तरह अजीब बर्ताव कर रहा था। मालिक सर, तो दूसरा लड़का ये था? हाँ सर। इन दोनों लड़कों के बारे में जो कुछ भी याद है बता दो। सर दोनों जब पेट्रोल पंप पर आते तो ठीक लगते थे और यहां से निकलने के बाद ना जाने उनके साथ कुछ अजीब होता था। चलती गाड़ी रोक देते थे और ना जाने किससे बातें करते थे और फिर गाड़ी से उतरकर कहीं चले जाते थे। सर उन लड़कों के अजीब बर्ताव को देखकर उनके पास जाने से मुझे डर लगता था और मेरी माँ कहती थी सर कि कोई चुड़ैल है जो रात में सफेद कपड़े पहनकर और हाथ में बच्चा लेकर रात भर घूमती है और से लड़कों को अपने वश में कर लेती है। कहीं ये सब कुछ ऐसा हुआ तो सर? मैंने पूछा तुमसे तुम्हारी माँ क्या कहती थी? कुछ लगेगा तो बुलाएंगे। ठीक सर। मान ले सिर्फ 18 तारीख की नहीं पूरे हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। जाओ मैनेजर से बात करो। ओके। सर 18 का फुटेज रात के 12:20 में जय पेट्रोल पंप पहुंचता है। ये देखो। नशे में लग रहा है। सर मुझे भी वही शक। हमें रतन राज का भी फुटेज मिला। ये 13 की फुटेज। रात के 12:30 रतन भी खुद से बात करता हुआ गाड़ी वहीं छोड़कर चला जाता है जैसा कि हरीश ने बताया। 13 को रतन गायब हो गया था और 18 को वापस आया और ठीक उसी वक्त जय भी गायब हो गया उसी जगह से और दोनों का बर्ताव भी सेम है। ये कोइंसिडेंस नहीं है।
ये कोई पैटर्न हो सकता है। अच्छा, पिछले 3 महीने का CCTV फुटेज मंगवा, शायद पहले भी ऐसा कुछ हुआ और किसी को पता ना चला, और इमीडिएटली एक टीम असेंबल करके जय को ट्रैक करना शुरू कर दो। सर, मैं रतन को मिल के आता हूँ। फिर से वही बदबू? हाँ, बहुत बदबू आ रही है। रतन बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रतन, इसकी प्लेट में खाना कौन डालेगा? किसकी प्लेट में बेटा? इसकी प्लेट में। पास करो रतन, पागल तो नहीं हो गया? पागल मैं नहीं, पागल आपकी बीवी हो गई है, जो इसको देख के भी अनदेखा कर रही है। अगर इस घर में इसको इज्जत नहीं दी जाएगी ना, तो मुझे भी इस घर से कुछ नहीं चाहिए। चलो। अरे रतन, क्या हुआ? कौन? देखिए ना, कौन? कहाँ कहाँ है कौन? गाली तो है। अरे देखिए ना, कौन है? लगता कोई आया। मैं देखता हूँ। विक्रांत सिंगल। हाँ जी, आइए। रतन, मैं विक्रांत सिंगल, ACP। तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सर, जब से रतन घर वापस आया है, तब से ये अजीब सी स्मेल आ रही है। हमने सारे कमरे कबट सब चेक किए, ये अजीब सी स्मेल वही आती है जहां रतन होता है। बाहर चलकर बात करें, मेरा सिर पकड़ रहा है। आइए। आपके बेटे को शराब या ड्रग्स की लत थी? नहीं सर, कभी नहीं। वो ऐसी चीजों से तो हमेशा मिलो दूर रहा है। घर आने के बाद उसने बताया वो इतने दिन कहाँ था, किसके साथ था? नहीं सर, हमने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। अचानक हंसने लगता है, अजीब सी हरकतें करने लगता है। हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बेटे को क्या हुआ है? फिर से वही बदबू। कोई मामूली बदबू नहीं है। कुछ महीने पहले हमें डॉकयार्ड एरिया में एक छोटे बच्चे की लाश मिली थी,
लाश पूरी तरह से सड़ी हुई थी, ये उसी तरीके की बदबू है। सर पेट्रोल पंप वालों के पास इतना बैकअप नहीं होता है, एक टाइम में 30 दिन का फुटेज होता है। ठीक है। हेलो, ओके सर, खबर मिली है कि जय घर वापस आ गया है और वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे रतन कर रहा था। आज 23 तारीख है ना? यस सर। 13 को रतन गायब हुआ था और 18 को वापस आया और उसी दिन जय गायब हुआ जो अब 23 को वापस आ गया। पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? यस सर। ठीक 5 दिन बाद रतन लौटा और जय गायब हो गया और अब ठीक 5 दिन बाद जय लौटा है, तो कोई और भी गायब हो सकता है। सर मैं देखता हूँ। सर सर ठीक है। सर एक बात करनी थी, वो पनवेल पेट्रोल पंप के पास मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि वो आधी रात के बाद पेट्रोल पंप की तरफ नहीं जाते हैं, तेंदुए के डर से नहीं बट भूत प्रेत के डर से। सर मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने कहा, उसका कहना है कि आधी रात के बाद उसने वहाँ पे एक लड़की देखी है, मोहिनी, उसे देख के उसे बुखार हो गया था। वो लड़की खूबसूरत थी, उसके लंबे घने बाल थे, सुरीली आवाज में गाती थी और उसके बदन से फूलों की खुशबू आती थी। कहानी हमें क्यों बदबू आ रही है? हाँ सर, पर ये सब आपको कैसे पता? अरे इस मोहिनी के बारे में स्कूल में काफी कुछ पढ़ा था, काफी सारी फिल्मों में भी इसका जिक्र है। एक काम करते, पहले इंसानों को इन्वेस्टिगेट करते, अगर उस इन्वेस्टिगेशन ने दम तोड़ दिया तो फिर भूतों की फाइलें खोलेंगे। गाड़ी निकलवाओ, उस पेट्रोल पंप का एक चक्कर लगा दे। सर सूरज श्रॉफ, अंदर चेक करते हैं। नहीं नहीं मां मान जाएंगी, उन्हें बस थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं रतन, वो नहीं मानेंगे। लेकिन रतन तुम मुझसे प्यार करते हो ना? What? मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। करता हूं ना, करता हूं। करते हो ना, तो लो साबित करो। मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। सीमा, I love you, सीमा।
आई लव यू। सूरज सीमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सीमा आई लव यू। सीमा मारिया सर। तो भाई भाई किससे बात कर रहे तू? अरे कौन है, किससे बात कर रहे? सूरज वो हमें अलग करना चाहते हैं। सूरज अरे किससे बात कर रहे? सूरज तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? अरे भाई उठा के लेके जाओ इसे। हेलो ओके सर, खबर आई है कि रतन और रतन की माँ की मौत हो गई। लाश उनके घर पे मिली है, हमें वहीं पहुंचना होगा। चलो I'm sorry sir। जब तक ये जिंदा था इसके आसपास सड़ी हुई लाश की बदबू आती थी, और आज इसकी लाश सामने पड़ी है लेकिन बदबू गायब है। आर्या सर, फॉरेंसिक्स टीम को बोल दो इनकी ऑटोप्सी अर्जेंट है, टॉप प्रायोरिटी। अब बचता है सिर्फ जय। अगर ये कोई पैटर्न है तो जय की फैमिली को इमीडिएटली वॉर्न करना पड़ेगा। सर जय क्या कर रहा है तू? कैसे स्मेल आ रही है? माँ तुम्हारी बहू को गहने पहना रहा हूँ। कहाँ है बहू? मम्मी मेरे सामने तो है बैठी हुई। जय मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तू तू ये सब बंद कर दे अभी के अभी। माँ तुम बाहर जाओ। देख माँ तुम बाहर जाओ। सुन जय समझने की कोशिश कर। माँ तुम बाहर जाओ। जय तुम बाहर जाओ। जय तुम बाहर जाओ। बात तो सुन। तुम बाहर जाओ। कितनी खूबसूरत हो तुम। मन तो कर रहा तुमसे अभी शादी कर लूं मैं। ये तो मैं भी चाहती हूं जय, लेकिन तुम्हारी माँ वो कभी नहीं मानेगी। मानेगी ना, माँ मान जाएंगी। और जय अगर तुम्हें मेरे और तुम्हारे माँ के बीच चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? तुम्हें चुनूंगा मैं, तुम्हें। सर जिस दिन रतन लौटा उसी दिन जय गायब हो गया, और फिर ठीक 5 दिन बाद जब जय लौटा तभी सूरज उस जंगल में घुस गया।
और उसी दिन रतन ने अपनी माँ को कत्ल करके खुद को भी मार दिया। इस पूरे केस में एक वियर्ड सा पैटर्न है सर, लेकिन कोई फिजिकल एविडेंस हाथ नहीं लगा। ये सारे लड़के एक ही उम्र के हैं और किसी इमेजिनरी लड़की को देखते हैं। इस वक्त आ गया है सर कि मैं अपना नजरिया बदल दूं। विक्रांत, तुम्हें इस केस को अदिति के एंगल से देखना होगा। मिसेस रोड़े, जय ने आपको बताया वो किससे बात करते रहता है? कुछ नहीं बताया, मैंने कई बार पूछा, कुछ भी नहीं बताता है, अजीब सी हरकतें करता रहता है। कल तो उसने हद कर दी, मेरी सारी ज्वेलरी लेकर अपने कमरे में चला गया और पता नहीं किससे बातें कर रहा था और किस लड़की को वो सारी ज्वेलरी देने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लड़की को दे रहा था जी। उसने कोई नाम लिया? नाम? हाँ, कोई नाम तो ले रहा था। हाँ, सीमा, सीमा नाम ले रहा था वो। आओ सीमा। कम मिसेस रोडे, यूजुअली ऐसे केस में मैं आपको सलाह देता कि आप जय को किसी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। क्या है क्या नहीं है ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता। आप बस अपना ख्याल रखिए और जय पे नजर रखिए, और किसी भी वक्त आपको जरा सी भी थ्रेट महसूस हो आप इमीडिएटली मुझे कॉल करना। जी, अच्छा। वैसे भी मैं आपके घर के बाहर 24 घंटे के लिए सर्विलेंस रख रहा हूं। तीनों लड़के, तीनों की उम्र तकरीबन 25 और 28 के बीच। और तीनों को माने से? तीनों अपनी गाड़ी उस पेट्रोल पंप के पास छोड़कर 5 दिन के लिए उसी जगह पे छुपे हुए थे। सूरज और जय को लग रहा है कि उनके साथ कोई सीमा नाम की लड़की है, इसका मतलब रतन खुद से बातें नहीं कर रहा था, हैल्यूसिनेट कर रहा था। इस एरिया की पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट की गई सारी केस फाइल्स निकालो जिसमें सीमा या नाम मेंशन किया हो। सर, सारी केस फाइल्स, एक्सीडेंट्स, मिसिंग पर्संस रिपोर्ट, मर्डर केस, रेप विक्टिम्स, सब कुछ। सर, सीमा सिंह की फाइल मिली है। पिछले साल उसकी लाश पनवेल के पेट्रोल पंप के पास वाले जंगल में मिली थी, जहां से हमें सूरज मिला था। बॉडी आइडेंटिफाई किसने की थी? विनय लोखंडे, लड़की का दोस्त था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी सर, अनाथ लड़की है। लाश 5 दिन तक जंगल में सड़ती रही। विनय को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। सर, बैठी। आप लोग मेरे बेटे विनय को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं विक्रांत सिंगल, ACP। विनय से उसकी दोस्त सीमा के बारे में बात करनी थी।
क्या हुआ मिसेस लोखंडे, आप जानती थी सीमा को? जी, मेरा बेटा विनय जानता था सीमा को। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। विनय एक बार सीमा को घर लेके आया था, शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं खिलाफ थी उस शादी के। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी शादी सीमा से कभी नहीं हो सकती। मगर माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटी, सीमा हमारी कम्युनिटी की लड़की नहीं है, ऊपर से उसके माँ बाप भी गुजर चुके हैं, और सीमा है ना बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़की है, और मुझे कैसी बहू चाहिए, एकदम सीधी साधी। माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे उससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। माँ देख बेटा, शादी सूरत देख के नहीं है, सीरत देख के की जाती है, और सीमा तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। नहीं माँ। अरे, वो शादी के बाद सिर्फ अपनी ही बात चलाएगी। सीमा जैसी लड़की है ना, अपना घर अपने पति पे ज्यादा ध्यान नहीं देगी, अपने कपड़े पे अपने गहनों पे ज्यादा ध्यान देती है। माँ, वो ऐसी नहीं है। देख विनय, मैंने फैसला कर दिया है, तुम्हारी शादी सीमा से कभी नहीं हो सकती, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो ठीक नहीं होगा। विनय ने मेरे कहने पे सीमा से रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ 2 महीने बाद सीमा घर से भाग गई थी, पुलिस ढूंढ रहे थे सीमा को। तो मैंने विनय से पूछा, सीमा कहाँ है? तब उसने बताया, सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, दोनों खुदकुशी करने गए थे, सीमा ने जहर पी लिया। लेकिन विनय घबरा गया, भाग गया वहां से। लोग पुलिस के पास क्यों नहीं? विनय पुलिस के पास जाना चाहता था, सारी बातें बताना चाहता था। मैंने मना कर दिया उसे, डर गई थी सर, उसे जेल हो जाती, लेकिन सजा उसे मिल गई। सीमा के मौत के 1 महीने बाद ही विनय ने आत्महत्या कर ली। गलती मेरी थी सर, सजा मिली मुझे, मेरा इकलौता बेटा था, छीन गया मुझसे, मिली सजा। हेलो, मिस रोडे, विक्रांत सिंगल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुनिए। जय अगर सीमा के बारे में कुछ भी कहे तो उसके हाँ में हाँ मिलाना, कहना आप उसकी और सीमा की शादी के लिए तैयार है, आपको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर, ये सीमा है कौन? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपके घर की तरफ ही आ रहा हूँ। और याद रहे, सीमा के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं निकालना। ठीक है। बेटा देखो देखो, तुम जो कहोगे ना मैं वही करूंगी। तुम सीमा से शादी करना चाहते हो ना, तो हो जाएगी तुम्हारी शादी। मैं करा दूंगी बेटा, मैं खुद करा दूंगी तुम्हारी शादी। हाँ देखा, माँ शादी के लिए मान गई। नहीं मेरा बच्चा, तो चिंता मत कर बेटा, मैं तुम दोनों साथ में रहना, मैं करा दूंगी तुम्हारी शादी। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ जय? क्या हुआ? माँ, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। माँ सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे देखकर खुश तो हो ना तुम? तो बताओ कैसे लग रही हूं मैं खूबसूरत तो हूं ना? मेरे साथ चलोगे? तो फिर चलो। विक्रांत, उसके साथ मत जाओ। तुम्हारी जान खतरे में विक्रांत, रुक जा। तुम्हारी जान को खतरा है विक्रांत, रुक जाओ। क्या मैं अब तेरे लायक नहीं हूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? शिवा, मैं जानता हूं यहां क्या हुआ था और तुम किसका इंतजार कर रही हो। विनय की राह देख रही हो ताकि वो आए और तुम अपना बदला ले लो। विनय नहीं आएगा सीमा, विनय नहीं आएगा, वो इस दुनिया में नहीं रहा।
एक दोस्त को खोने का दुख क्या होता है ये मैं समझ सकता हूँ सीमा, लेकिन तुम अपने प्यार को गलत दुनिया में ढूंढ रही हो। अगर उसका यहाँ पे इंतजार करोगी तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उसे ढूंढना है तो अपनी दुनिया में ढूंढो। Pero...